कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इन दिनों पार्टी की खोई हुई जमीन की तलाश में निकले हैं और अलग अलग प्रदेश का दौरा कर किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अमरावती के 15 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दी है। राहुल विदर्भ के अमरावती जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल का जायजा ले रहे हैं, साथ ही खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अमरावती में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। इस साल अब तक यहां 295 किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। राहुल अपनी यात्रा के दौरान न सिर्फ किसानों की समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे बल्कि भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो राहुल गांधी इन दिनों किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। राहुल फिलहाल विदर्भ में किसानों के बीच हैं, लेकिन उससे पहले राहुल ने किसानों की फसल बर्बादी और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर पंजाब का दौरा किया और किसानों से मुलाकात की। यही नहीं, राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा कल यानी कि बुधवार को लोकसभा में उठाया था, जिस पर हंगामा भी हुआ था। राहुल गांधी की यात्रा पर एनसीपी नेता माजिद मिनन का क्या कहना है, आइए आपको हम दिखाते हैं। किसानों के हित में कोई कष्ट लेता है, जाकर उनसे जमीनी सच्चाई जानता है, वहाँ की क्या सिचुएशन है उसका पूरा एक ब्यौरा रहता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उस पर आकर फिर वो सदन को बताए और यहाँ तक कि सरकार को आमादा करे कि किसानों के हित में क्या क्या ठीक, क्या सही है, क्या गलत है। और बतौर खास जबकि लैंड एक्विजिशन बिल पर बड़ी चर्चा हो रही है, तो ये किसानों के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक कदम है।